गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर फ्रॉम ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक चैप्टर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर टेक्स्ट बुक इज व्हाट आर द फोर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के फोर मींस कौन कौन से आए हैं चैप्टर के अंदर, आपको याद होंगे। द फोर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर रोडवेज। रोडवेज कौन से थे, जो सड़क वाला रास्ता जो है, जहाँ पर हम अपनी गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स ये सब रन करते हैं और ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं नियर बाय सिटीज़ में या नियर बाय एरियाज़ तक जाने के लिए। सेकंड इज़ रेलवेज। रेलवेज़ क्या था, लॉन्ग डिस्टेंस में काम आ रहा था। लॉन्ग डिस्टेंस की जब जर्नी करनी होती है आपको, तो ये काफ़ी इकोनॉमिक है, चीपेस्ट रेट के ऊपर है और कंफर्टेबल है। थर्ड इज़ वाटरवेज। आउट ऑफ कंट्री जब आपको जाना होता है या काफ़ी सारा मटेरियल अगर आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो इसके थ्रू होता है। एंड लास्ट इज़ एयरवेज, विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपको कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आप विद इन आवर्स दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं वहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं। एक एरिया जहाँ पर काफ़ी सारे रिहायशी मकान बने हुए हैं, काफ़ी सारे होम्स हैं, घर बने हुए हैं जहाँ पर, विच कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी। और दो तरह की हमने इसमें चैप्टर के अंदर कवर किया था, सम आर परमानेंट सेटलमेंट एंड सम आर टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स। थर्ड इज विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल। कौन कौन सी एक्टिविटीज ये लोग करते हैं रूरल पीपल जो हैं। द एक्टिविटीज प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल आर एग्रीकल्चर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं। फिशिंग, मछली पालन जो होता है, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क एंड ट्रेडिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं जो रूरल एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं। फोर्थ पार्ट इज मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज। रेलवेज़ के फीचर क्या हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं रेलवेज़ की एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट कैन कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस आपको कवर करना है इंडिया के अंदर ही, अपनी कंट्री के अंदर ही, इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं रेलवेज़ को, क्योंकि ये कंफर्टेबल है, इकोनॉमिक है। जो रेलवे के फेयर्स हैं, टिकट चार्जेस जो हैं, वो काफ़ी कम हैं। इट इज़ चीपर और इकोनॉमिकल मोड ऑफ जर्नी। फिफ्थ पार्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन को हमने किया था कवर, तो किस वर्ड से बना था ये, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट वर्ड से ये कम्युनिकेशन वर्ड बना था। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। अब कम्युनिकेशन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको किया था कि किसी के साथ बातचीत करना, किसी से बात करना, जहाँ पर हम अपने मैसेजेस, अपने फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। सिक्स पार्ट इज व्हाट इज मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है, द कम्युनिकेशन बाय विच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस कैन बी रीच्ड
एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास मीडिया। अब एक तो आमने सामने बैठ करके फेस टू फेस टॉक हो रही है, तो वो तो चल रही है इंडिविजुअल टॉक या पर्सनल टॉक। बट एक टाइम ऐसा भी हो सकता है जब आप काफ़ी सारे लोगों तक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। सिंपली जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं आप, तो वो न्यूज़पेपर काफ़ी सारे लोगों के घरों पर जाता है। अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर्स आते हैं, सभी लोगों के घर पर जा रहे हैं वो, तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों तक एक सिंगल मैसेज एक ही टाइम में पहुँच जाता है। द ऑडियंस कैन बी रीच्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास मीडिया। जहाँ पर लार्ज नंबर की ऑडियंस तक एक मैसेज आपका कन्वे होता है, तो वो सोर्सेज क्या हैं, मास मीडिया सोर्सेज। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न एटसेट्रा। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं इसमें, टेलीविज़न्स होते हैं। अब टेलीविज़न्स के ऊपर आप क्या देखते हैं, जो भी आप प्रोग्राम्स वहाँ पे टेलीकास्ट हो रहे हैं वो सभी घरों के अंदर चल रहे हैं। कोई भी एडवर्टीज़मेंट आती है, न्यूज़ आती हैं, तो वो सभी लोग उसको लाइव देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इन अवर टेक्स्ट बुक इज टिक द करेक्ट आंसर विच इज़ नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सी चीज़ जो है कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं है, टेलीफोन, बुक्स और टेबल। टेलीफोन के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, बुक्स के थ्रू भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। ऑथर ने जो चीज़ें लिखी हैं, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स जो लिखी हैं, तो वो बुक के थ्रू दूसरों तक पहुंचा रहा है। हम लोग उस बुक को परचेज करते हैं, उसको पढ़ते हैं और फीलिंग्स शेयर हो रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड टेबल, टेबल इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। रोड्स हमने किए थे, फ्लाईओवर्स थे जिनमें ऊपर की तरफ चढ़ा जाता है फिर नीचे उतरते हैं। एक्सप्रेसवेज क्या थे, सुपरफास्ट वेज जो थे। एंड सबवेज क्या थे, जो नीचे से जा रहे हैं, सुरंग बन रही हैं। जैसे इन अवर चैप्टर वी रीड अबाउट अटल टनल। अटल टनल का एक एग्जांपल हमने किया था, जिसका इनोग्रेशन अभी लास्ट मंथ हमारे पीएम मोदी जी ने किया था रोहतांग में। विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, किस तरह की रोड बनती हैं अंडरग्राउंड में, उनको क्या कहा जाता है, सबवेज। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। अगर आपको आइलैंड पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे, आइलैंड्स पे इजीली जा सकते हैं आप वाटरवेज के थ्रू। देन वी विल यूज शिप। ट्रेन वहाँ पर अफोर्ड नहीं होगी एंड बाय कार भी आप वहाँ पर रीच नहीं कर पाओगे। फोर्थ, विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। कौन से व्हीकल्स जो हैं पोल्यूशन एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। बस पोल्यूशन करती है बिकॉज इट कंज्यूम्स द फ्यूल, डीजल। एरोप्लेन ऑल्सो कंज्यूम द फ्यूल। राइट आंसर इज साइकिल, ऑप्शन ए साइकिल। साइकिल चलाते हैं आप तो साइकिल में क्या होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थ्री, थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वट इज इंटरनेट, ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच वी यूज टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, अवर शेयरिंग्स, अवर आइडियाज टू अदर्स। पहले हम क्या करते थे, लेटर्स वगैरह लिखते थे, बट अब हम क्या करते हैं, ऑनलाइन चैट्स, लाइव चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब कुछ हम यूज करते हैं थ्रू इंटरनेट। सो इंटरनेट इज रिलेटेड टू means of communication. Second is canal route. What is canal route?
वाटरवेज के अंदर जो सी रूट्स बने हुए थे, जो सी रूट्स हमने पढ़ा था उसके अंदर, इनलैंड वाटरवेज, अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज कौन से हैं? एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, जहां पर लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड में और सर्विसेज के अंदर इंटल्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एंड फोर्थ इज कंपैक्ट सेटलमेंट। कंपैक्ट सेटलमेंट क्या था? क्लोजली बिल्ट एरियाज ऑफ हाउसेस, जहां पर साथ साथ घर बने हुए होते हैं, इकट्ठे घर बने हुए होते हैं। इन अवर टॉपिक सेटलमेंट वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, उस टॉपिक के अंदर हमने इस पोर्शन को कवर किया था। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज गिव रीजंस। टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, कि आज का जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ रहा है। वो सिकुड़ किस वे में रहा है? छोटा नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है उसमें, कि जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो कई कई दिन लग जाते थे, महीने लग जाते थे अगर हमें फॉरेन टूर पर जाना है। बट अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं, दूर बैठे हुए लोगों से बातें कर सकते हैं टेलीफोन्स पर, इंटरनेट्स पर। और अगर आपको वहाँ की जर्नी करनी है तो आप क्या यूज़ करते हैं? वाटरवेज एंड एयरवेज का। एयरवेज के थ्रू हम जल्दी से वहाँ पर असेस कर सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन ए शॉर्ट टाइम। तो लॉन्ग डिस्टेंसेज हम कवर कर सकते हैं अब इन ए शॉर्ट टाइम थ्रू एयरवेज। बाई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन मेक कॉन्टैक्ट विद द पीपल लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्या होता था, हम लेटर पोस्ट करते थे, वो लेटर कई दिनों के बाद वहाँ पर पहुँचता था, वो पढ़ते थे फिर रिप्लाई करते थे। बट अभी हम क्या कर सकते हैं कि आप लाइव चैट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और फेस टू फेस आपकी टॉक हो जाती है, इंट्रैक्शन जल्दी हो जाते विद इन सेकेंड्स मोबाइल्स के थ्रू। इन दिस वे टूडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। इस तरह से ये कहा गया है, इसका मीनिंग जो है श्रिंकिंग का वो क्या है? सिकुड़ना, छोटा होना। नहीं कि संसार छोटा थोड़ी हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि संसार जल्दी से असेस किया जा सकता है, वर्ल्ड तक आप जल्दी से पहुँच कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर जाना है तो आप जल्दी से जा सकते हैं, और किसी से आपको बात करनी है तो वो आप कम्युनिकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के थ्रू, कंप्यूटर या टेलीफोन्स, इनके थ्रू आप जल्दी से उनसे बातचीत या कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न। Students, there is an assignment for you. Do solve it. Thank you.